पूजा आ गई है वीडियो कॉल पे, इससे पूछते कब आ रही, कब आ रही है तुम? गुस्सा हो? अभी बज रहे हैं जी सुबह के 10:15 और सभी लोग उठ चुके हैं और जिया जो अभी नहीं उठी है और देख सकते हैं पूरा हॉट पैड लेकर के आराम से लेटी हुई है और जिया की जो हिम्मत नहीं हो रही है उठने की, ऐसी हालत खराब है जिया की, पूरा पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। सुबह सुबह 6 बजे जिया हमेशा उठती थी, खाना वाना सब बनाती थी, लेकिन आज जो है बेचारी हिल ही नहीं पा रही बेड से, कमर में हर जगह सब जगह दर्द हो रहा है इसको, कमर में दर्द हो रहा है, पेट में और पैर में। तो बहुत ज्यादा तो जिया उठ नहीं पा रही है। तो इधर और क्रियांश जो है अपना लॉलीपॉप सब जो है खा रहा है और आज का जो है जिम्मेदारी जो है मेरे ऊपर आ गया है, बच्चा संभालने का जिम्मेदारी, और भी ना जाने क्या क्या जिम्मेदारी आएगा, अभी तो धीरे धीरे पता चलेगा। तो वो कभी कभी आना भी चाहिए, तब पता चलेगा कि बीबी की वैल्यू क्या है। नहीं, बीबी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसके लिए हम थोड़ी मना कर रहे हैं, बहुत वैल्यू है। नहीं, आप जितना सोने का वैल्यू नहीं है, जितना डायमंड का वैल्यू नहीं है, उससे ज्यादा बीबी का वैल्यू है। ठीक है, हो गया ना? बिल्कुल गलत बोल रही, आप लोग कमेंट कीजिए, डायमंड कम से कम सिल्वर कुछ ही दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, लोहा दे देंगे तुमको, ना चाहिए, चलो लोहा मिल जाएगा। इस महाशय को लेकर के चल रही थी नीचे, लेकिन इस महाशय को जाना है छत के ऊपर, लग रहा है कितना तेजी में भाग रहा है। पकड़ो जल्दी, चलो भागेगा। छत के ऊपर जाना चाह रहा है तो चल ही लेते हैं छत के ऊपर, लेकिन धूप है, लेकिन इस महाशय को कौन समझाए। ये देखिए यहाँ पर फैला हुआ है, यह आम का अचार बनने वाला है और साथ में जो है मकई को कूट करके रखा गया है। तो मकई का जो चूड़ा आप में से बहुत लोग खाते होंगे, तो यह है, इसको फ्राई किया जाएगा तेल में। तो एक एक जो है आम का टुकड़ा जो है क्रियांश बाहर फेंक दिया है, तो आप क्रियांश को वहाँ से लेकर के आ गए कि आपका कितना टुकड़ा बाहर फेंक देता। तो चलते हैं नीचे और क्रियांश की दादी से मुलाकात करते हैं। मोटरसाइकिल के अंदर लीची रखा हुआ है, खा लेना, लीची खा लेते हैं। क्रियांश इधर आओ, इधर कहाँ घुस रहा है, जगह है इसमें घुसने लायक? हाँ, इसके लायक तो बहुत जगह है। चलो चलो हटो 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 क्रियांश, हट जा हट जा हट जा, चलो अंदर चलो, जाओ बाबा के पास जाओ। बाबा की तरफ ये बार बार देख करके हंसता है कि कुछ उसको फ्रूटी मिल जाएगा। A few moments later. तो अभी अभी आ रहे हैं जी अपने पापा को कोर्ट ड्रॉप करके, या कोर्ट जब ड्रॉप करके आ रहे थे। बहुत घबरा रही है, बताओ घबरा रही है? अब आपको कह रही है ऐसी बात नहीं है। अच्छा। बात है, फर्स्ट टाइम किसी के भी इवेंट में दीदी जा रही है, दीदी आपका रिकॉर्ड हो रहा है बात, पता है ब्लॉग में। तो दीदी कह रही है मुझे घबराहट हो रही है, मैं कभी किसी से मिली नहीं हूँ, तो बोला आप टेंशन मत लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और दीदी तो पूरा देश घूमी हुई है, इनको क्या दिक्कत है? अरे कोई नहीं जी, इवेंट अपना फैमिली का जैसे इवेंट होता है वैसे ही इवेंट होने वाला है। वैसे आपको कोई दिक्कत, आप देखना ना, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं वो तो अच्छा तो लगेगा ही, तो आपको पता ही है, तुम हो ना फिर क्या टेंशन। The next day. तो कोमल जो है कह रही है कि हम तुम्हारी एनिवर्सरी में नहीं आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम इसके यहाँ भी नहीं जाएंगे, वो भी घर के बगल की है, फिर नहीं आएंगे। वाह, ऐसा दोस्त होता है कहीं, क्या बताइए आप। हाँ ये तो आएगी। हम कल इनको बोले थे, तुम्हारे हस्बैंड से बात हो रही थी ना, हम बोले देखो कुछ भी हो कोमल लड़ झगड़ के आएगी ही आएगी, कंफर्म है। दो तीन बार मेरा लड़ाई हो चुका है। हम बोले थे ना आपको कि कोमल आएगी ही चाहे कुछ भी हो जाए। वाह जी, चलिए मेरा पूरा ये हो जाएगा कि हम हम बोल दिए अगर नहीं आगी तो हम थोड़ी जाने वाले हैं, तो कोमल आने वाली है, ये फिक्स है। पूजा आ गई है वीडियो कॉल पे, इससे पूछते कब आ रही, कब आ रही है तुम? इतना हम तुमको तो बुलाए कि आ जाओ, क्या कर रही है घर में बैठ के, तुम तो आ ही नहीं रही हो। कितना झूठ बोल, समझ गए कि रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए झूठ बोल, गुस्सा हो। तो
कहाँ वहाँ पे वहाँ तबीयत खराब हो गया था मेरा ना, इसीलिए चंडीगढ़ में जो बुलाई थी। अच्छा, समझ गया। चलो मेरी एनिवर्सरी नहीं, मेरी शादी की सालगिरह है, उसमें आ जाना। अच्छा, तो कब आ रही है, सही सही बताओ। आ जाएंगे जब बुलाई हो तब आ जाएगा। ठीक है, तो पूजा को हमने बुलाया है 18 या 19 को आने को बोला है, देखते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे कोई भी नहीं है तो ये आएगी तो बहुत सारा हेल्प हो जाएगा मेरा। देखते हैं कब आती है, ये मेहमान की तरह आती है तब उसको लाठी देंगे, अगर अपने घर के तरह आएगी तो वेलकम करेंगे, आरती उतारेंगे। ठीक है, समझी? ओके, ओके। और आजकल तू तब हम हाजिर हैं आपके लिए। एनिवर्सरी को लेकर के चल रही है जोर शोर से खरीदारी, तो यहाँ सास बहू मिल करके जो है कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ही रही है लगातार, तो देख सकते हैं फिलहाल क्या खरीदाया है, तो देखते हैं। ये बहुत प्यारी सी साड़ी है और कलर भी बहुत सुंदर है। हाँ, एकदम हरा रंग का है, बहुत सही है। कमेंट करके बताइएगा कि ये हम किसके लिए खरीदें। और एक साड़ी आई हुई है, कॉटन की साड़ी है जो कि इस टाइप की, कॉटन की साड़ी, तो देख सकते हैं जी बहुत प्यारा सा लग रहा है और कलर भी है इसका मरून। वाह वाह वाह, एकदम मरून कलर का है, तो कितना बेहतरीन सा है। अरे वाह वाह वाह, और साथ में ये धोती है, ये वाह। और ये देखिए साड़ी है, हाँ हाँ, जो नैन्सी के लिए खरीदे हैं। अच्छा, चलो बढ़िया है यार, बहुत अच्छा कलर है यार। ये कितना दिया होगा मम्मी? ये 1200। सुंदर। ओह, ये चल गया, इधर हो गया अनबॉक्सिंग। ये जी, आप पकड़ो उसको, आप कुछ बंद करो, वहाँ से फेंक रहा है बस सारा सामान। ना, जो हम नैन्सी के सास के लिए। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, बहुत सुंदर। ये माँ के लिए खरीदी थी, ये हम अपने बहन के लिए लाए, आप बताइए कमेंट करके हमारी दीदी इसमें अच्छी लगेगी कि नहीं। चलिए बढ़िया, ले रही है। और ये हम इस बहू के लिए लिए हैं सूट। अच्छा वाह, बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत सुंदर है ये, देखिए बहुत अच्छा है, लोग साड़ी तो पहनती नहीं है तो सूटे पहनेगी। चलिए अच्छा, वाह वाह वाह, बढ़िया। लेकिन इसका भी एनिवर्सरी है, लेकिन इसको अभी कुछ नहीं। कोई बात नहीं, बहू को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है करी बड़ी, फाइनली माँ हमको दे दी करी बड़ी बनाने के लिए। और ये देखिए मेरा करी बड़ी कहते हैं, बड़ी मेरा फूल रहा है, देखिए अभी अच्छा बनाने लगी है, फिर बड़ा साइज कर देगी तो फिर इसकी सासू माँ आएगी, इसको भगा देगी। लेकिन बनाते बनाते ही ना सीखेंगे, ये तो भी बात है। नहीं सीखोगी कि मैं आज तक बड़ा बनाती रही? नहीं, मैं सीखी। हम रसगुल्ला भी बनाते हैं तो बड़ा हो जाता है। नहीं, मैं सीखूंगी, मैं कोशिश करती हूँ कि सीख लूँ। और मुझे लगता है 3-4 बार ही करी बड़ी हम बनाए, माँ तो बनाने नहीं देती है, जब माँ मतलब नहीं रहती है या फिर जब वो जॉब पे थी तब बनाते थे। लेकिन तुम्हारी जो है ये तो धर्म की माता है, जो कर्म की माता है वो भी बहुत तरुआ पकौड़ा पकौड़ी बहुत बनाती है। अगर बेचारी देखती होगी वीडियो तो हमें मौका मिल नहीं रहा है उतना पकौड़ा खाने का। अब देखो हम कब तक खाते हैं। आज अगर वो बैगन वाला आ जाएगा तो खरीदेंगे, तो बैगन का पकौड़ा बनाएंगे डैडी, बहुत दिन आपको भी बना। अब हमारी उषा बहन कब तक हमें पकौड़ा खिलाती है ये मुझे, वो मेरी समधिन बहन है। ये देखिए ना कितना अच्छा फूला, ये देखिए जिया की माँ जो है मेरी समधन भी लगेगी। और वो मुझे ये बड़ा नहीं है, ये फूल के बड़ा नहीं, अच्छा है, खूब फर्स्ट क्लास है कि नहीं है। और ये देखिए, ये मेरा पोता का भुजिया है, जब भी खाए नहीं खाए बनता जरूर है। और ये भुजिया खाने में मेरी बहू भी बहुत तेज है, लेकिन और मेरा बेटा भी बहुत तेज है, सब कोई तेज है, लेकिन ये थोड़ा सा ही बना है।